सो हेलो गाइस, वेलकम चैनल में। भाई देखिए मस्त, भाई कैसे आप लोग? तो भाई आगे न्यू क्रिकेट के साथ। तो भाई इस वीडियो में अपने को देखने के लिए मिलने वाला है कल एक ब्रांड न्यू इवेंट आने वाला है अपने पबजी के अंदर। तो भाई उसके बारे में मैं आज पूरा बताने वाला हूँ डिटेल में, और उसमें अपने को क्या फ्री में मिल रहा है और उसमें अपने को क्या देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसके बारे में मैं आज पूरा बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं होते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अपने ग्लोबल वर्जन में देखो इधर ही इवेंट का सेक्शन था, किधर गया हुआ ये देखो। ये इवेंट के सेक्शन में अपने को बहुत सारे अपने को इवेंट देखने के लिए मिलने वाले थे, मतलब कौन सा इवेंट कभी आने वाला है उसके बारे में बताने वाला था। तो ये एंग्री बर्ड्स का भी आ गया है, उसके बाद रिकॉल का आ गया है, रेज गियर का आ गया है, विंटर हॉलीडे गिफ्ट का भी आ गया है। तो खाली बचा है अपना गेट पार्ट्स। तो भाई उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, वो कल ही आने वाला है। देखो इधर लिखा है 29/12/2019 से लेके 11/1/2020 तक आने वाला है, ये इवेंट चलने वाला है। तो उसके बारे में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो अपना ये इवेंट अभी आ गया है पबजी के केआर वर्जन में, तो केआर वर्जन में अपन जाते हैं। तो चलो लोग इस इवेंट से पहले जाने के पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, तो जाके इंस्ट्रक्शन देखो, जाओ देखो। इस वीडियो में पबजी वाले की बहुत सारे मानने वाले हैं, सो कमज़ोर दिल और सभ्य दिमाग के लोग अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो, थैंक यू। तो भाई लोग आ गए इंस्ट्रक्शन देख के, तो अपन जाते हैं इवेंट के पास। तो भाई इवेंट अपना देखो, इधर स्क्रॉल करने के बाद देखो इधर लिखा है असेंबल पार्ट्स, तो उसके अंदर अपन जाने का है। उसके अंदर जाने के बाद देखो अपने को ये एकेएम का स्किन अपने को मिलने वाला है कल, अपना इवेंट आने वाला है इसके बारे में। तो अपने को ये सब लोगों को फ्री में मिलने वाला है, तो वो कैसे फ्री में मिलने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, और क्यों फ्री में मिलने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चले अपन जाते हैं इधर। इधर क्लिक करने के बाद देखो ऐसा पेज अपने को डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो ये आजू बाजू में अपने को बहुत चार चार ऐसे पार्ट्स बता रहे हैं, देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अपने को 12 पार्ट्स ऐसे कलेक्ट करने का है, तो उसके बारे में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो ये पार्ट्स, ये इवेंट का नाम है असेंबल पार्ट टू गेट अ वेपन फिनिश। तो भाई ये ऐसा नाम है, बहुत बढ़िया वाला नाम है, बहुत बड़ा भी नाम है। उसके बाद अपना सिल्वर बुलेट एकेएम 7 डेज, अब हो गई बकचोदी चालू। तो भाई 7 डेज के लिए मिल रहा है अपने को ये 12 पार्ट्स कलेक्ट करने का है। तो भाई ये तो हो गया 7 डेज के लिए, चलो ठीक है 7 डेज के लिए दे दिया। तो भाई इसमें भी बहुत सारी बकचोदी कर ली है, तो अपन रूल्स के बारे में नोट्स जो लिखा है उन लोगों ने, तो नोट्स के पास जाते हैं अपन लोग। तो चले नोट्स के पास जाते हैं। तो भाई आ गए हैं अपन नोट्स के पास। तो भाई फर्स्ट नोट अपना बोल रहा है, ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड प्ले क्लासिक मोड टू गेट अ रैंडम पार्ट फ्रॉम ईच मैच। तो भाई इसमें अपने को रैंडम क्लासिक मैच खेलने का है, उसमें अपने को रैंडम पार्ट मिलेगा, तो ये रैंडम पार्ट मिलेगा। तो जाते हैं आगे, फिनिश अ हायर रैंक टू इंक्रीज द लाइवहुड ऑफ गेटिंग अ रेयर पार्ट। तो इसमें अपने को क्या बोल रहा है, टॉप रैंक हायर रैंक में आने का है, मतलब 1 से 10 तक, मतलब टॉप 10 में आने का है। तो टॉप 10 में अपने को आने के बाद अपने को रेयर पार्ट, मतलब चांसेस है अपने को रेयर पार्ट मिले। तो ये तो होगा पहला। तो उसके बाद अपन जाते हैं दूसरे में, तो दूसरा लिखा है कलेक्ट ऑल द पार्ट्स एंड एक्टिव देम टू गेट अ लिमिटेड 7 डेज वेपन फिनिश। तो भाई यार क्या बोलूँ अभी पबजी वालों का, मैं पबजी वालों को बहुत सारी गाली आ रही है, लेकिन क्या करूँ, लिमिट रहता है ना हमारा भी। तो भाई उन लोगों ने लिमिट दिया, तो हमारा भी लिमिट रहता है। तो 7 डेज के लिए अपने को वेपन मिलने वाला है ये वाला। और उसके बाद थर्ड भी बोल रहा है, डुप्लीकेट पार्ट आर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू मैकेनिकल कॉइंस। तो भाई मैकेनिकल कॉइंस से मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल कॉइंस क्या है। तो ये देखो इधर ये हेलमेट जैसा बता रहा है राइट साइड के ऊपर टॉप में, तो ये मैकेनिकल कॉइंस है। तो हो गया मैकेनिकल कॉइंस। तो उसके बाद अपन जाते हैं फोर्थ वाले नोट्स के पास। तो भाई फोर्थ वाला नोट्स है, एक्सचेंज मैकेनिकल टोकन फॉर पार्ट्स और अ लॉन्गर आइटम वैलिडिटी पीरियड इन द पार्ट शॉप। तो भाई जो अपना एक्सचेंज और टोकन कर दिया है अपना, तो वो एक्सचेंज होकर अपन पार्ट्स शॉप में जाके अपने को जो पार्ट्स नहीं मिला तो उस पार्ट्स को अपन परचेस कर सकते हैं। तो भाई अपने को ये परचेस करने के लिए टोकन नहीं रहेंगे, तो भाई अपन 50 UC गवाना पड़ेगा उसमें भी अपने को। तो भाई जिनको लेना है ले सकते हो, कल ही आने वाला है अपनी। तो होगी ये तो हो गया केयर वर्जन का, लेकिन अपना भी यही इंस्ट्रक्शन रहेगा, यही आने वाला है कल। तो ये हो गया। और तो भाई लोग चले अपन पांचवें नोट के पास जाते हैं। तो पांचवा नोट अपने को बोल रहा है, फिनिश दैट द एक्सपायर ड्यूरिंग द इवेंट कैन स्टिल बी यूज इफ अ लॉन्गर आइटम वैलिडिटी पीरियड इज रिड्यूस। तो भाई जो अपना ये एक्सपायर ये इवेंट खत्म होने के बाद, फिनिश का ये इवेंट खत्म होने के बाद अपन परचेस कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं विदाउट रिक्वायर यू कलेक्ट अ न्यू पार्ट्स। तो भाई इसमें अपने पार्ट्स नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन ये अपन पबजी वाले भाई फ्री में तो नहीं देने वाले, तो इसमें भी पैसा ही लेंगे। तो भाई वो एटीएम का स्किन जिनको पसंद आया तो भाई वो पैसे से ले सकते हैं, ऐसा बता रहे, ऐसा थोड़ा सा है।
तो भाई 6 में बता रहा है आफ्टर द इवेंट एंड अनयूज्ड मैकेनिकल टोकन्स विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू बीपी। तो भाई जो अपना मैकेनिकल टोकन्स में अपने को जो मिलेंगे तो वो अपने को ऑटोमेटिकली इवेंट खत्म होने के बाद बीपी कॉइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई लोग जाते हैं 7 के पास। तो भाई 7 है आइटम इन द पार्ट शॉप कैन ओनली बी परचेज वंस डेली। तो भाई अपने को एक दिन में एक पार्ट शॉप से अपन एक पार्ट्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है दे आर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश वंस डेली फॉर फ्री एंड कैन बी मैनुअली रिफ्रेश एज वेल। तो भाई जो अपना पार्ट शॉप का जो शॉप के अंदर जो मटेरियल मतलब पार्ट्स मिलने वाले हैं ऑटोमेटिकली चेंज होने वाले हैं डेली में। तो हर रोज़ अपने को चेंज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे पार्ट्स के बारे में। तो उसके बाद 8 वाला लिखा है अ 7 डेज वेपन फिनिश विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द इवेंट इवन इफ ऑल द पार्ट आर कलेक्टेड बट नॉट एक्टिव। तो भाई इसमें लिखा है अपन 7 डेज का वेपन खाली जो अपना 12 पार्ट्स है वो परचेस कलेक्ट होने के बाद ही अपने को मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद लिखा है 9 वाला लिखा है प्लेयर्स मे गेट अप टू 10 पार्ट्स ईच डे। तो भाई अपने को 10 एक दिन में खाली 10 ही पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसा है सब इंस्ट्रक्शन नोट के अंदर। तो भाई लोग ये तो हो गया इवेंट के बारे में। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरे हिसाब से ये झाटे ऊपर भांडिया करने से अपने को खाली 7 डेज के लिए ये एटीएम का सीन मिलने वाला है। वो भी देखो देखो आप देखो किधर गया बे भी किधर गया वो एटीएम का सीन भी नहीं दिख रहा है मेरे को। वो भी डर से मारा टूट गया। तो भाई वो भी अपने को खाली 7 डेज के लिए मिल रहा है। तो भाई ये कौन झाटे ऊपर भांडिया पर करेगा मेरे को बताओ ना, कोई नहीं करेगा भाई, मैं तो नहीं करने वाला भाई। चौथ ये ऐसे पबजी वाले ऐसे चूतिया करके इवेंट लाते हैं और बोलते हैं ये करो वो करो ऐसा मिलेगा। भाई नहीं चाहिए हम लोगों को, नहीं चाहिए ऐसा इवेंट हम लोगों को। और जिनको भाई इवेंट ये पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके बताओ मेरे को पसंद आया, और जिनको इवेंट नहीं पसंद आया तो मेरे को कमेंट करके बताओ पसंद नहीं पसंद आया भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कुछ खास नहीं है। तो भाई एक ही पबजी वालों को लास्ट नारा देने वाला हूँ, तो लास्ट नारा आप भी नीचे कमेंट करके बोल दो। आंडमान का टोला और पबजी वालों के गांड में गोला, आंडमान का टोला और पबजी वालों के गांड में गोला। तो भाई बस चलते हैं, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करा एंड सब्सक्राइब चैनल को। बाय, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय एंड सही हो ना रहा।